अठारह सालों का सफर रहा है कौन कौन सी गेम्स बनाई है कमी सर्कल माई इलेवन सर्कल थी अल्टीमेट तीन पत्ती क्या आप जुए को बेच रहे हो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी अठारह सालों में के के बाद गेम को बैन कर दिया तो IPL टीम के साथ जब आप काम करते हो वो डायनामिक कैसा होता है अगर कोई बड़ा प्लेयर है तो वो हवा में है मैं ये क्रिकेटर हूँ इसलिए मैं जो बोलूंगा वही करो कैसी है ये फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया इंडिया में सबसे बड़ा रिलीजन क्रिकेटर क्योंकि सबको लगता है कि उनको क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा पता है और उनके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए हमने भी सोचा की क्यूँ ना इस चीज़ को टेस्ट किया जाए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दो की टीम बनाओ आप अपनी आप देखो आप जीतते हो की नहीं जीतते हो दोस्तों हर महीने हमारे आठ हिंदी पॉडकास्ट रिलीज होते हैं और आठ इंग्लिश पॉडकास्ट रिलीज होते हैं पर मेरे अनुसार सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू आपको ऑन्टरप्रनोर के साथ जो कॉन्वर्सेशन होती है ना उनसे आपको मिलेगा ये उसी टाइप की एक कॉन्वर्सेशन है गेम्स ट्वेंटी फोर सेवन के प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हुए हैं माई एलेवन सर्कल रमी सर्कल जैसे गेम्स आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है भारत में गेम्स ट्वेंटी फोर सेवन को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल रही है इन द गेमिंग स्पेस तो जब हम सक्सेसफुल गेमिंग कंपनीज की बात करते हैं यू नीड टू टॉक आवर गेम्स ट्वेंटी फोर सेवन पर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी अट्ठारह साल पहले आज इसी कंपनी के को फाउंडर भाविन पांड्या हमें बिजनेस के बारे में भी थोड़ा समझाएंगे पर मैंने इनसे जिंदगी के बारे में सीखा कि एक सेल्फ मेड इंसान की जर्नी कैसे होती है मुझे ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी मज़ेदार लगी एंड ऑनेस्टली uh, इनकी संतुष्टि से मैं इन अ वेरी ब्रदरली वे थोड़ा सा जलता हूं ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप देखोगे आज के कॉन्वर्सेशन में मजा आ गया इनसे बात करके इनसे सीख के आपको इनक्रेज करना चाहूँगा कि प्लीज इस पॉडकास्ट के क्लिप्स कट करके बिंदास अपने इंस्टा पेजेस पर अपने यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड कीजिए भारत की ऑन्टरप्रनोरियल स्टोरीज इंटरनेट पर फैलनी चाहिए दोस्तों लॉट्स ऑफ लव बिकॉज दिस इज भावन पांड्या ऑन टी आर एस भाविन पांड्या आपने कौन कौन सी गेम्स बनाई है रमी सर्कल माई इलेवन सर्कल और फिर एक कैजुअल गेम स्टूडियो हुआ करता था बट अभी फोकस रमी सर्कल और माई इलेवन सर्कल पे कैजुअल okay. गेम्स के डोमेन में कौन सी बड़ी बड़ी गेम्स बनाई जैसे अल्टीमेट गेम्स थी अल्टीमेट तीन पत्ती अल्टीमेट पोकर अल्टीमेट रमी okay? बट हाँ वो फ्री टू प्ले गेम्स थी कैजुअल गेम्स मतलब फ्री टू प्ले अठारह साल पुरानी कंपनी है अठारह साल कैसे रहे हैं <laughs> बहुत बढ़िया <laughs> बहुत बढ़िया <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सीखा है बहुत सीखा है बहुत गलतियां की है बहुत ज्यादा गलतियां की है पर उनमें से सीखा है जब लोग रमी के बारे में सोचते हैं तब लोग ऑटोमेटिकली महाभारत के बारे में भी सोच रहे हैं बहुत सारे भारतीय लोग एटलीस्ट तो आई एम श्योर कि जब आप किसी रूम में जाते हो तब कुछ कुछ लोग जो आपके ट्रोल्स है हेटर्स है लोकी ट्रोल्स लोकी हेटर भी आपको ये सवाल पूछते होंगे कि क्या आप जुए को बेच रहे हो आ, ये मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में इसलिए रखा ताकि लोगों के भी दिमाग में शायद शक हो सकता है हाँ। उसे साफ कर दो हाँ। आ, क्या आप जुआ बेच रहे हो नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं जुआ होता क्या है जुआ ये होता है कि आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है वो जुआ होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं गेम ऑफ चांस वो अगर आप पैसों के लिए खेल रहे हो तो आप जुआ खेल रहे हो hmm. ऐसी बहुत सारी गेम्स है ना जैसे आप अब रूले होता है रेड पे बॉल आएगा या ब्लैक पे बॉल आएगा आप किसी को पता नहीं है वो घूमेगा जहां रुकेगा आएगा hmm. आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं कुछ hmm. तो उस पर पैसा लगाना जुआ होता है hmm. हम गेम ऑफ स्किल ऑफर करते हैं इसका मतलब ये आपको अपनी काबिलियत पे जीतना है आप अगर एक चेस टूर्नामेंट में पार्ट लेते हो आज सौ रुपए की एंट्री फी देके तो आप जुआ खेल रहे हो मैं आपसे पूछता हूं नहीं exactly. क्रिकेट खेलने के लिए, तो है। कौन सी गेम्स ऑफर कर रहे हो हम रमी ऑफर करते हैं और फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑफर करते हैं रमी के लिए रमी सर्कल फैंटेसी के लिए माई इलेवन सर्कल ये दोनों गेम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आर गेम्स ऑफ स्किल इसलिए जो भी कोर्ट केस अब तक तो हुआ है रमी को लेके या फैंटेसी को लेते हम जीते हैं हर बार कोर्ट केस हुआ है कोर्ट कोर्ट केसेस में भी हम जीते हैं पर केस हुआ क्यों है स्टेट्स बोलते हैं कि नहीं ये बंद करो ये सब हमें माननी पड़ती है उनकी बात हमें बंद करना पड़ता है बट फिर हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है तो, हमें तो लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अलाउड है तो आप हमें क्यों रोक रहे हो आप हमें बताओ ये कैसी है ये फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया क्योंकि आई नो कि बहुत ग्रोथ मिली है इस डोमेन को पर साथ साथ मेरे ख्याल से लास्ट ईयर कुछ टैक्सेस लगाए गए थे आई बिलीव हाँ इस पूरे सिनारियों को ड्राउट कीजिए आपने फैंटेसी क्रिकेट की ग्रोथ देखी है इंडिया में आई एम श्योर कि बहुत बहुत क्रेजी लर्निंग्स दिखे हैं आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यार सो मैं पहले ये शुरू में कि यार मैं मैं लोगों को ऐसे ही मजाक में बताता हूँ बट ये एक्चुअली ट्रू है राइट मैं लोग पूछता हूँ कि यार इंडिया में सबसे बड़ा रिलीजन क्या है तो लोग जो भी बोलेंगे सबको सब हाँ, सब लगता है, कि उनको क्रिकेट के बहुत पता है और उनके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। राइट? आम, तो हमने सोचा और औरों ने भी सोचा बट हमने भी सोचा कि क्यों ना इस चीज को टेस्ट किया जाए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दो कि टीम बनाओ आप अपनी और फिर देखो फील्ड पे लोग कैसा करते हैं वो प्लेयर्स कैसा करते हैं और उस हिसाब से आप फिर आप फिर डिसाइड करो आई मीन आप आप देखो आप जीतते हो कि नहीं जीतते हो पर आप 2006 से कंपनी चला रहे थे हाँ, पहले आपने रमी की गेम बनाई हाँ फिर ये आइडिया कब आया और क्यों आया तो 2013 14 में हमने देखा वेस्ट में भी देखा कि यार फैंटेसी स्पोर्ट्स काफी अच्छा कर रहा है राइट तो क्या हम फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेके कुछ इधर कर सकते हैं इंडिया में स्पेशली uh, क्रिकेट को लेके हुई क्रिकेट बहुत बड़ी गेम है हमारे हमारे देश में हम रुक गए क्योंकि हमने देखा कि यार अभी स्पेस में क्लैरिटी नहीं है इतनी हम जो रमी भी रमी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फुल गेम ऑफ स्किल है तो भी इश्यूज़ आ रहे थे हमें पूछ रहे थे लोग कि ये अलाउड है नहीं अलाउड है तो हमने बोला कि यार फैंटेसी तभी ऑफर करेंगे जब उस पर लीगल क्लैरिटी आ जाएगी पहला पॉइंट सही चीज़ करो डू द राइट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो आ, तब तब जब 2016-17 में जाके पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक वर्डिक दिया कि फैंटेसी गेम्स आर अ गेम ऑफ स्किल तो तब हमें लगा कि हमें ये करना चाहिए हमें इधर इस फील्ड में अभी कुछ करना चाहिए तो 2018 में हमने टीम सेटअप की 2019 में हम अपना प्रोडक्ट लाइव लेके गए और जब हम लाइव गए ना तब सौ से भी ज़्यादा फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स थे फैंटेसी क्रिकेट ऑपरेटर्स थे हमारे देश में um, आज मुझे नहीं पता कितने हैं बट हम जब गए तो वी आर ऑबियसली द हंड्रेड एंड फर्स्ट एक सौ एक बिकॉज सौ लोग हमसे आगे थे आज हम नंबर टू पे हैं एंड एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज हमने जो रमी में जो बहुत कुछ सीखा था वो हमने फैंटेसी में अप्लाई किया हमने प्रोडक्ट्स पे इनोवेशन किया uh, हमने uh, हमने लोगों का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इजी बनाया एंड सो so, उस उस वजह से जैसे आईपीएल जब हुआ तब हमें बहुत सारे प्लेयर्स आए hmm. और हमारी फिलॉसफी सिंपल थी कि यार फैंटेसी स्पोर्ट्स में लोग टीम बनाते हैं बट एक बार टीम बन गई उसके बाद क्या अगर उसके बाद मुझे उनको एंगेज करना है तो मुझे उनको दूसरी गेम्स खिलानी पड़ेंगी और मैं वही बोल रहा था कि तो 2019 से 23 अभी 24 फोर में आ, हमने बहुत कुछ सीखा है

एक्चुअली हम ये भी हमारी बात पहले हुई थी वो काफ़ी बिजनेस डायनेमिक होता है देखो यार अभी क्रिकेट बहुत ही प्रोफेशनल हो चुका है हर तरह से प्लेयर्स बहुत प्रोफेशनल है एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत प्रोफेशनल है और कोचेस बहुत सब लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है ठीक है तो अगर अगर आपको जैसे हम काम कर रहे हैं लखनऊ सुपर जैंस के साथ आ, तो उसमें आ, हमने इंटरेस्ट दिखाया कि हमें स्पॉन्सरशिप करनी है तो उन्होंने उन्होंने अलाउ एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ठीक है वील अलाउ यू टू स्पॉन्सर क्लॉज क्लियरली लिखे होते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप के साथ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी या तो थोड़ी टिकट्स मिलेंगी ग्राउंड में मैच देखने की लखनऊ की होम एंड अवे की आ, या उसके साथ आपको टीम जर्जीज थोड़े मिलेंगे आपको चाहिए तो अगर आपको किसी को मिलना है तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है Uh, तो ये जो थोड़ी चीजें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से स्पेसिफाई की जा चुकी होती है ऑलरेडी तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार स्पॉन्सरशिप ली फिर मैं जाके डिस्कस करूंगा कि अभी मुझे यार ये भी दे दो वो भी दे दो नहीं ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है आपको पता है आप किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हो किस किस चीज़ के लिए स्पॉन्सरशिप ले रहे हो और फिर उस चीज को आप स्पॉन्सर करते हो ऑन जर्जी स्पॉन्सरशिप वही टाइटल स्पॉन्सरशिप जो हमारे पास है वो वही है तो माई इलेवन सर को इधर लिखा आता है तो वो मेन है टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब यही है कि जो उनका जो जर्जी पे ऊपर है वो आप ले सकते हो स्पॉन्सरशिप एंड देन उसके साथ आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं जब आप क्रिकेटर्स के साथ काम करते हो एज एन एडवर्टाइजर इस पूरे प्रोसेस के बारे में जनता क्या नहीं जानती इज इट लाइक टू वर्क विद क्रिकेटर्स कि वो भी बहुत प्रोफेशनल है मतलब आ, मतलब सबके माइंड में इंप्रेशन क्या होता है कि यार अगर अगर कोई बड़ा प्लेयर है तो वो हवा में है तो वो शायद थोड़ा एरेगेंट है थो, शायद थोड़ा घमंडी है पर ऐसा नहीं है जब वो लोग आते हैं एड्स के लिए बहुत प्रोफेशनल होते हैं डायरेक्टर उनको बोलेगा कि आपको ये करना है वो जी जान लगा के कर देंगे ये समझना इम्पोर्टेंट है कोई सब सब कोई नेचुरल एक्टर नहीं होता पर वो भी सब मेहनत करते हैं सब अपना काम जी जान लगा के करेंगे और फिर जैसे उनका शूट ख़त्म हो जाएगा फिर अपने नेक्स्ट एंगेजमेंट के लिए जो भी उनको करना है प्रैक्टिस सेशन जो भी उसमें चले जाएंगे बट uh, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बोले कि मैं ये क्रिकेटर हूँ इसलिए hmm. मैं जो बोलूँगा वही करो hmm. या मुझे मैं डायरेक्टर की नहीं मानता मैं वैसे करूँगा बिल्कुल भी नहीं सब बहुत प्रोफेशनल है बहुत डाउन टू अर्थ है आपसे बहुत तमीज़ी से अच्छे से बात करेंगे आ, काम करेंगे जैसे आप कोई कंपनी में काम करते हो दो प्रोफेशनल्स हैं कंपनी में एक साथ काम कर रहे हैं बात कर रहे हैं प्रोफेशनल होता है सबके ए, ए, एक एक रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के लिए बिल्कुल वैसा होता है कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होता है कि पर डे कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं फिर इसमें भी क्योंकि अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन प्लेयर को क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए बट वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको सम नंबर ऑफ डेज देंगे कि यार मैं आपको एक दिन या डेढ़ दिन या दो दिन देता हूँ शूटिंग के लिए hmm. फिर मैं आपको सोशल मीडिया इंगेजमेंट के लिए थोड़ी स्पेस दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा आपका मेंशंस कर लूंगा, आपकी ब्रांड का नाम मेंशन कर लूंगा, तो थोड़ा ऐसा होता है तो मतलब वो काफ़ी और डिपेंड्स की किसकी कितना सोशल कितनी सोशल मीडिया फॉलोइंग है अब कितने साल हो चुके हैं क्रिकेट की दुनिया में अब... आ, क्रिकेट की दुनिया में 2019 से 2024 अभी चौबीस साल पाँच साल आपने अपने प्लेयर्स की साइकोलॉजी के बारे में क्या जाना है दो सब क्वेश्चन पहला सवाल अभी पूछ लिया जनरल जनरली क्या जाना है हाँ। कैसे सोचते हैं क्रिकेट हाँ। के फैंस दूसरा सवाल ये है कि क्या आप प्रिडिक कर पाते हो कि कौन से प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है आपको क्रिकेट के भविष्य के बारे में थोड़ा पता चल जाता होगा आई फील नहीं वो नहीं पता चलता ना क्योंकि वो एक रिएक्शन है पॉपुलैरिटी क्रिकेटर्स की कब बढ़ती है जब जो हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लेयर्स खेल रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये सब क्रिकेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं जैसे ही परफॉर्म करना कम हो जाता है उनका उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो जाती है आप अपनी टीम में वैसा प्लेयर क्यों लोगे जो आउट ऑफ फॉर्म है नहीं लोगे अब वैसे ही प्लेयर लोगे जो इन फॉर्म है आ, तो, आ, तो वो तो गेम टू तो गेम डिपेंड करता है और बहुत सारे जो हमारे ऐप पे जो प्लेयर्स हैं वो एक्चुअली देखते हैं कौन से ग्राउंड पे मैच हो रहा है कौन बैटिंग कर रहा है कौन बॉलिंग कर रहा है किसका किसने ज़्यादा विकेट लिए हैं इस पिच पे किसने ज़्यादा रन बनाए हैं इस पिच पर कौन सी पिच है ये भी देखते हैं तो जब टॉस होता है ना तब वो बुलाते हैं कि पिच वन है टू है थ्री है ये भी देखते हैं लोग मतलब तो काफ़ी डिटेल में घुसते हैं लोग ये आपको कैसे पता कि उतने डिटेल में जाकर एक तो हम प्लेयर से बात करते हैं और दूसरा हमें ये पता है कि टॉस होने के बाद ही बहुत ज़्यादा टीम्स बनती हैं उनमें चेंजेस आते हैं Hmm. क्योंकि टॉस में वो बताते हैं कमेंटेटर कि कौन सी पिच पे मैच खेला जा रहा है मतलब yes. okay. मतलब yes. क्रिकेट के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा जानकारी है, जानका है। स्पोर्ट्स अवेरनेस, क्रिकेट अवेरनेस तो काफी बढ़ गया उनका और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बिल्कुल बढ़ रहा है क्योंकि देखो यार जो भी हुनर होता है स्किल होता है वो स्किल क्यों है स्किल इसलिए क्योंकि आप उस पर काम करके उसको बढ़ा सकते हो आज आपको एडिशन आती है कल सब्ट्रैक्शन आती है फिर मल्टीप्लीकेशन आती है वो स्किल है मैथमेटिक्स जो आप बढ़ा रहे हो विद टाइम राइट सो जैसे प्लेयर वो एक बार टीम बनाता है और देखता है कि कैसा उसने परफॉर्म किया वो टूर्नामेंट में नेक्स्ट टाइम वो वो चेंज करेगा वो बेटर करेगा यही ऑडियंस जो हमारे पॉडकास्ट देखते हैं वही ऑडियंस जाकर शार्क टाइम भी कंज्यूम करते जनरल यूट्यूब ऑडियंस शार्क टैंक इंडिया के क्लिप्स को बहुत ज्यादा व्यूज मिलते एंड बिजनेस कॉन्वर्सेशन सिर्फ शार्क टैंक सीजन में ज्यादा चलते हैं अच्छा नहीं फुरे? मैंने शार्क टैंक इंडिया तो इतनी नहीं देखी बट बट वहाँ एक कंपनी थी जिसमें मैंने जिसमें जिस मुझे लगा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आ, तो मैंने मैंने उनको सपोर्ट किया है तो आ, तो बस वो एक कंपनी थी बट मैंने शार्क टैंक इंडिया तो नहीं देखा क्योंकि जब मैं शार्क टैंक देखता हूँ ना मुझे दो चीज़ें फील होती है पहले ही चीज बहुत इंस्परेशन फील होती है देश की ग्रोथ को देख करिटी को देख दूसरा मुझे ये लगता है कि यार इसमें से बहुत सारे लोग ना शायद इनकी जस्ट शुरुआत हुई अब बिजनेस में एंड लेट्स सी हाउ फार इट गोज क्योंकि बिजनेस बहुत सारे लोगों के लिए एक मेंटल हेल्थ बैटल बन सकती है बिल्कुल बिल्कुल आप आप भी ये मानोगे हंड्रेड परसेंट मानता हूँ मैं बहुत मोमेंट्स होते हैं जहाँ आपको गिव अप करने की फीलिंग मैं एक्चुअली मैं तो एक स्टेप आगे जाके आपको बोलूँगा कि मेरा ये मानना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है जो नेक्स्ट दस पंद्रह सालों में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की होगी जो पिछले 25 साल पहले एड्स वाज़ अ बिग प्रॉब्लम फिर कैंसर एंड ऑल ऑफ दैट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम दैट पीपल आर लुकिंग टू फाइट एंड दैट दैट इज स्टिल अ प्रॉब्लम बट मुझे लगता है जो कोविड के बाद मेंटल हेल्थ पे फोकस आया है ना पहले तो पहले आना चाहिए था बट चलो आ गया देर आए दुरुस्त आए बट अभी जो फोकस उस पर बनेगा उस पर रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि जो मेंटल हेल्थ पे हमें सबको फोकस करना चाहिए और मेंटल ट्रेनिंग पर भी बिल्कुल मतलब मेंटल ट्रेनिंग बहुत अंडर चीज़ है एक्चुअली ये बिजनेस की कोर्स के लिए अकॉर्डिंग टू मी कि कितना आप जेल पाओगे हाँ ये एक लीडर की पहचान होती है आप मानते हो सर हाँ टू एन एक्सटेंट आई थिंक देखिए यार मेरा फंडामेंटल बिलीफ तो ये है कि लक है जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है यार देखो मेहनत तो सबको करनी पड़ती है क्योंकि no, वो आपके कंट्रोल में है वो आपको करनी है मेहनत तो आपको करनी है बट मेहनत करके भी कभी कभी लोगों को उसका फल मिलता है कभी कभी लोगों को फल नहीं मिलता मैं अपनी बात बताऊँ तो जो मुझे फल मिले हैं क्यों मिले हैं क्योंकि मेरा लक अच्छा था मुझे आपकी पूरी स्टोरी जाननी है क्योंकि जो आपने किया है अठारह सालों में पहले तो अठारह साल खुद से एक जोक नहीं होती अठारह साल इज़ अ लॉन्ग टाइम लोग पांच साल में बिजनेस एग्जिट करने के प्लान बना देते हाँ। अठारह सालों से सा आपने एक ही बिजनेस चला है क्रेजी हाँ। uh, आपके पास होंगे आई एम हाँ। श्योर हाँ। क्यों स्टार्ट किया बिजनेस में क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर दैट मेनी स्टार्टअप फ्रॉम दैट फेस तो अभी वो स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ तो उस जमाने में कंप्यूटर लैब हुआ करते थे तो आप कंप्यूटर लैब में जाते थे बड़े बड़े डिब्बे होते थे वहां पे जाके आपका जो भी रिसर्च है जो भी है वो करना होता था तो मैं जाके वहाँ गेम खेलता था साइबर जैसे साइबर कैफे जैसे साइबर कैफे बट कंप्यूटर लैब था कॉलेज का तो मैं वहाँ गेम खेलता था एक बार मैंने देखा इधर उधर कि मैं अकेला गेम नहीं खेल रहा हूँ मेरे जैसे और भी एक दो लोग हैं कौन सी गेम अलग अलग गेम्स बट जो भी है मैं तो माजोंग खेलता था कोई और कुछ खेल रहा है पोकर खेल रहा है कोई तो कुछ और खेल रहा है ओके तो वैसे मेरी थम्पी को जानता था बट वैसे एक्चुअली पहचान हुई थम्पी के साथ तो गेमिंग में क्या कर सकते हैं और दूसरा मुझे इंडिया जाना था तब गेमिंग भी है उसमें बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं था गेमिंग में इंटरेस्ट था आ, इंडिया जाना था तो ये क्या कर सकते हैं तो थम्पी और हमारी बात शुरू हुई कि यार गेमिंग इंडिया में ऑफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बट कैसी गेम्स ऑफर कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें गेमिंग स्टूडियो नहीं बनना था हमें ये नहीं बनना था कि यार हम मीनिंगलेस गेम्स बनाते मीनिंग और लोग एड्स के लिए वो वो गेम्स खेले बिकॉज फिर वो गेम बोरिंग हो जाती है आपको भी कुछ एड दिखाएगा और फिर आपकी गेम बोरिंग हो गई तो आपको एड पब्लिशर उधर एड पब्लिश करेगा अभी नहीं क्योंकि कोई देखता नहीं है कोई खेलता नहीं है आपकी गेम तो हमें एक सर्विस ऑफर करनी चाहिए गेमिंग एज अ सर्विस तो वो कैसे ऑफर करे तो वो आप वैसे ऑफर कर सकते हो कि आपको एवरग्रीन गेम्स ऑनलाइन ऑफर करनी है तो वहां से शुरुआत हुई लेट्स ऑफर गेम्स दैट पीपल ऑलवेज लव टू प्ले जो एवरग्रीन थी जो लोगों को पसंद थी खेलने की पर उनके पास वो एवेन्यू नहीं था कि अभी फिजिकली जाए और सबको इकट्ठा करे और लोगों के साथ गेम खेले hmm. पर इंटरनेट इंटरनेट तब थोड़ा इंप्रूव हो रहा था इंक्रीज हो रहा था तो हमने देखा कि अगर इंटरनेट ग्रोथ होता है जैसे फोरकास्ट किया जा रहा है राइट right? तो फिर ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया एज अ सर्विस कैन बी अ बिग मार्केट बट अगेन वही सवाल कि आप क्या ऑफ़र कर सकते हो कौन सी गेम ऑफ़र कर सकते हो राइट right? तो वहाँ हमने जब रिसर्च किया हमें पता चला गेम ऑफ़ स्किल जो आप स्किल अपने हुनर से खेलते हो गेम ऑफ चांस जिसपे आपको कोई कंट्रोल नहीं है इसमें अंतर क्या है इन दो चीज़ों में और फिर आप गेम ऑफ उफ स्किल ऑफ़र कर सकते हो गेम ऑफ़ चांस आप नहीं ऑफ़र कर सकते आ, तो वहाँ से वो शुरुआत हुई जो वो रिसर्च किया तो मैंने बोला चलो यार मुझे तो जाना है इंडिया तो मैं तो पी प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ तो एक दूसरी चीज़ मैंने ये की जब मुझे वो इंटरेस्ट मैं जो उधर एक स्टूडेंट काउंसिल होता है ग्रेजुएट स्कूल का एक स्टूडेंट काउंसिल होता है तो मैं उधर प्रेसिडेंट था स्टूडेंट काउंसिल का तो उससे वो डीन जो होते हैं डीन और वो सबसे आपकी पहचान होती है उनसे मिलना होता है उनसे बातें होती हैं तो अगर मुझे प्रोग्राम छोड़ना था तो मुझे डीन से परमिशन लेनी थी तो मैं डीन के पास गया कि ऐसा है कि इकोनॉमिक्स में तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है मुझे अभी इंडिया जाना है और गेमिंग करना है तो डीन भी थोड़ी हैरान होगी कि क्या क्या बोल क्या रहा है ये बंदा उसको लगा होगा नादान है मतलब उसको पता नहीं है और डीन बहुत अच्छी थी तो उन्होंने बोला कि भाई भावन तुम ऐसा करो मैं तुम्हें एक साल के लिए सबैट देती हूँ क्योंकि एक साल तुम घूम लो जो करना है जो अपनी जो भी पसंद है जो भी अपनी ड्रीम है वो एक्सप्लोर करके कर नेक्स्ट ईयर तक आ जाना वापस क्योंकि वो डीन थी उनको पता था कि स्टार्टअप तो चलते हैं नहीं ऑनपोनरशिप तो बहुत रिस्की है मतलब ये कुछ भी बोल रहा है लड़का फिर भी चलो इसको थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं बंदे को आप तो मैंने बोला थैंक यू डीन मैं ले लेता हूँ ये बट मुझे नहीं लगता मैं वापस आने वाला हूँ क्योंकि यार अगेन एक चीज़ क्लियर थी कि जो चीज़ मुझे करनी नहीं है वो फिर करके वो उसका पॉइंट नहीं है कुछ कुछ और कर सकते हो आप तो कुछ और करो तो मुझे लगा कि स्टार्टअप नहीं चलेगा तो कुछ और करेंगे बट ये स्टार्ट वहाँ से हुआ कि गेमिंग करनी है इंडिया आना है इंडिया में करनी है बिकॉज इंडिया में वो इतनी ग्रोथ हो रही है अभी लोगों के डिस्पोजेबल इनकम्स इतने हाई है तो ये कैसे किया जा सकता है जो चीज़ें प्रोजेक्ट हुई थी वो सब हुआ

इससे ना सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री बट सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है वो भी ग्रो हो रही है इतनी hmm. Hmm. Uh, बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज की इंडस्ट्रीज हैं वो भी इतनी ग्रो हो रही है तो मतलब सब कुछ ग्रो हो रहा है एंड गेमिंग इज जस्ट वन इंडस्ट्री ऑल्सो दैट ग्रो बट बट प्रोजेक्शन से ज्यादा ग्रो इसलिए हुआ बिकॉज स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का ग्रोथ बहुत हुआ एंड दिस अगेन गोज बैक टू लक वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं था हम थोड़ी ना स्मार्टफोन या इंटरनेट को बढ़ावा दे सकते वो तो जब होना था तब हुआ बट अर्ली डेज तो तो मुश्किल थे आ, पहले तो इंटरनेट भी मुश्किल था ना डायल अप था उसके बाद आपको आपको पता नहीं आप आ, आपको ये आइडिया है कि नहीं कि पहले अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो दूसरी बिल्डिंग से एक तार खींच के ऊपर से आपके बिल्डिंग में आती थी वहाँ से आपको इंटरनेट मिलती थी और सो कहीं पे भी वो तार पे कुछ हो गया तो आपकी इंटरनेट बंद तो जब हम गेम्स डेवलप करते थे जो हमारा प्रोडक्ट बना रहे थे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दो आठ की बात है इंटरनेट बंद हो गया एक दिन मैंने मैंने फ़ोन किया कि आ, यार इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है आप प्लीज़ आ जाओ तो वो जो ए, टेक टेक्नीशियन था वो बोलता है आ, हाँ सर मैं पहुंच रहा हूँ मैं आ रहा हूँ अभी आ, दो घंटे हो गए आ, मैंने फिर से फ़ोन किया कि सर आप आने वाले थे क्या हुआ सर उसने बोला सर पाँच मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ पाँच मिनट स्टेशन पर पहुँच गया हमारी ऑफिस बोरीवली में हुआ करती पाँच मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं बस मैं आ रहा हूँ सर मैंने बोला ठीक है पूरा दिन निकल गया हमारा काम रुक रहा था क्योंकि सब ऑनलाइन गेम है तो टेस्टिंग तो इंटरनेट पर ही होनी चाहिए थी तब मुझे बहुत गुस्सा आया था राइट तो मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया एक दो बातें सुनाई उसको आ, कि यार आपने बोला था पाँच मिनट हो गया अभी तक आए नहीं तो उसने बोला नहीं सर मैं आया था मैं आया था मैंने देखा बट फिर मैं चला गया मैं बोला सर क्यों तो वो बोलता है कि सर वो ऐसा है कि वो जो बगल की बिल्डिंग है जहाँ से वो तार आती है जिससे आपकी बिल्डिंग को इंटरनेट मिल रहा है आ, उधर लिफ्ट नहीं चल रही है उस बिल्डिंग में वो आठ माले की बिल्डिंग थी तो मुझे लगा कि यार जनाब को आठ माले नहीं चल चढ़ने होंगे तो मैं बोला सर आठ माले एक बार आप चढ़ लेते हमारी इंटरनेट नहीं चल रही है तो बोले नहीं सर वो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ये है कि जहां से लिफ्ट को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और वो आपको इंटरनेट मिल रहा है वो सब एक ही डिब्बे में है तो क्योंकि उस बिल्डिंग की लिफ्ट नहीं चल रही है उन्होंने वो डिब्बा स्विच ऑफ कर दिया है इसलिए आपको इधर इंटरनेट नहीं मिल रहा है अब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था किसी ने नहीं सोचा था कि यार किसी बिल्डिंग में लिफ्ट अगर नहीं चल रही है और उसकी वजह से किसी और को इंटरनेट नहीं मिलेगा तो ये तो मतलब बहुत हैरानी की बात है तो ऐसी सब चीज़ें हुई है हमारे साथ कि यार आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से इश्यूज़ आते हैं ताकि लोग कॉन्टेक्ट समझे थोड़ा सा पॉडकास्ट ही सवाल है हाँ। आ, आज आपका एनुअल रेवेन्यू तो आप कुछ रफली बता सकते हो तो जो लेटेस्ट ऑडिटेड नंबर्स हैं वो भी है अवेलेबल तो जिसको अगर देखना है तो आ, वो कोई कोई, वो कोई आपको शो ऑफ नहीं मानेगा क्योंकि आप आप बहुत हम्बल हो ओके यू फील बैड अगर अथहरवा सर्च करें अगर मैं बोल दू हाँ आप बोल मैं तो ये होती है असली बिजनेस मैन की पहचान <laughs> इसलिए जब पॉडकास्ट के स्टार्ट होने से पहले आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया नौ साल के सफर के लिए एक्चुअली uh, जब कोई कॉन्ग्रेचुलेट करता है मेरे दिमाग में सब नेगेटिव चीजें फ्लैश होने लगती है कि, क्या क्या हुआ है यहाँ तक पहुंचने के हाँ, लिए बिल्कुल आपका चेहरा बहुत स्वीट है बोलना चाहूंगा कि नौ साल आ, आप मेरे लिए से बट नौ साल भी कोई मजाक नहीं है नौ साल भी बहुत होता है आज लोग छः छः महीने में एक साल में जॉब बदलते हैं क्योंकि शायद को पसंद नहीं आता जो वो करते हैं पर फिर वो उस चीज़ को ज़्यादा चांस भी नहीं दे रहे हैं मतलब hmm. तो नौ साल तो बहुत बड़ी बात है और, और ये आई थिंक ये भी दर्शकों को ऑडियंस को समझना ज़रूरी है कि अगर पहले टेक में या पहले कुछ महीनों में आपको कोई चीज पसंद ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी छोड़ ही दो अगर आप किसी चीज़ को चांस दोगे दो तीन चार चांस दोगे तो क्या पता आपको शायद बहुत पसंद आ जाए आई फील कि लॉन्ग टर्म में सफलता या जो भी दुनिया जिन चीज़ों को सफलता मानती है इट इज़ एन आउटकम ऑफ नेगेटिविटीज और ये रियल बात है बहुत कम लोग करते हैं आ, तो एट दिस पॉइंट मैं आपसे एक्चुअली नेगेटिविटी के बारे में पूछना चाहूंगा जिन नेगेटिविटीज का सामना आपने किया आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी अठारह सालों में शायद ऐसे थोड़े इंस्टेंसेस रहे हैं हमारी जर्नी में जहां हम कुछ ज्यादा ही रिस्केवर्स थे बहुत ज्यादा प्लेट सेफ प्लेट सेफ बहुत ज्यादा प्लेट सेफ आ, जैसे मैं आपको बताऊ रमी जो है ना एजे ग वो छह प्लेयरों में खेली जाती है वो ट्रेडिशनली रमी आप छह प्लेयर या तीन चार, पांच प्लेयर छह प्लेयर के साथ खेलते हो हमने सिर्फ दो प्लेयर वाली रमी ऑफर की आप पूछोगे क्यों इसलिए क्योंकि अगर दो से ज्यादा प्लेयर होते तो चीटिंग की संभावना बढ़ जाती कैसे जैसे आप मैं और कोई और खेल रहा है वो आपका दोस्त है आप उससे फोन पे पूछ लोगे कि बता यार तो उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पत्तों की और आपके पत्तों की इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो मेरे पास तो सिर्फ मेरे पत्तों की इन्फॉर्मेशन है तो आपको एडवांटेज मिल गया नहीं। नहीं। तो ये सब हमने सोचा उन्होंने हम बोला कि नहीं सिर्फ दो प्लेयर वाले वर्जन ही ऑफर करते हैं बट फिर हमने सीखा उससे क्यों लोगों तो छः प्लेयर चाहिए और जस्ट बिकॉज आज हमारे पास सोल्यूशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम छो प्लेयर का वर्जन ना बनाए हम वर्जन भी बनाए और साथ साथ ये भी सोल्यूशन बनाएं कि चीटिंग कैसे बंद करें उसमें तो फिर हमने उस पर काम शुरू किया तो फिर रीजन फिर उसका जो सोल्यूशन था वो उतना मुश्किल नहीं था सोल्यूशन सिर्फ यह था कि आप अगर आप सेम आईपी डिटेक्ट करते हो तो उनको सेम टेबल पर मत बिठाओ इंजीनियरिंग सोल्यूशन एग्जैक्टली दूसरे टेबल से बताओ तीसरी बात यह कि एक बार सब बैठ जाते हैं तो रैंडमली एक बार शफल कर दो ताकि एक दूसरे के बगल में ना बैठे आ, तो सोल्यूशन थे बट वी प्लेड इट कि नहीं पहले वन टू प्लेयर्स का ही करते वो एक दूसरा जब रमी में ही हमें ये सब इश्यूज आया थे आपने बोला पहले आपने पूछा ना कि भाविन किसी ने आपको ये पूछा कि ये सही है कि गलत है तो बिकॉज हमें बहुत ऐसे सवाल आए हमने दूसरे गेम्स नहीं किए राइट right? ये सोच के कि यार जब तक क्लैरिटी नहीं आती दूसरे गेम्स नहीं करते क्योंकि इसमें तो क्लैरिटी है नौ में मैं फिर भी इतने इश्यूज आ रहे हैं hmm. तो तो वो एक तो एक वो दूसरी दूसरी गलती थी दूसरी जगह भाई प्लेड इट टू सेफ ऐसे बहुत लोगों हैं जिन्होंने बाउंड्रीज पुश की उधर थोड़ी और फिर उनको फेवरेबल रिजल्ट मिले वो कहावत है ना फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव hmm. ऐसा नहीं है कि हमने हमने अच्छी चीज़ें नहीं की कि हमने ब्रेवरी नहीं दिखाई कि हमने हमने आ, जैसे हमारा फैंटेसी स्पोर्ट्स का प्रोग्रेस में जो भी सीख जो हमें मिली और जो हम जिस तरह से हमने आ, ग्रो किया है आ, वो वो मेरे हिसाब से तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है बट पॉइंट ये है कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें पहले करनी चाहिए थी या तो फिर जिनके बारे में हमने नेगेटिवली पहले सोचा और इसलिए नहीं किया आ, और उनसे काफ़ी सीख मिली है आपके इन्वेस्टर्स थे शुरुआत से थे पहले से थे हमारे सी, हमारे सी, हमारे एंजल इन्वेस्टर्स थे जो ये बहुत रेयर है बात उस जमाने में उस जमाने में रेयर तो वो एक बात है कि उस जमाने में थे बट उससे भी रेयर ये बात है कि वो सब आज भी इन्वेस्टेड है किसी ने डाइवेस्ट नहीं किया किसी ने अपना शेयर बेचा नहीं क्योंकि उनको वो फेथ था कॉन्फिडेंस था हमारी टीम में कितना पैसा रेस किया था तुम तब? तब बहुत अर्ली दिनों में इतना नहीं किया था सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया तो हमने सिर्फ पचास लाख रुपए रेस किए थे और कितने एंजल्स थे हाँ तब थी? तो तब तो एक ही एंजल था एक, एक नहीं तब दो थे आ, और उनसे रेस किए थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा और पैसा रेस किया बट फिर टू में टाइगर uh, ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया ओके okay. हाँ तो 2012 में टाइगर ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया एक बन्ण, एक मिनट मिनट ये ये स्टोरी सुननी है हाँ. उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लो हाइपोथेटिकली अगर आप जेनजी होते और अगर आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हाँ कि अप्रोच अलग रहती अप्रोच अलग नहीं रहती सेम क्योंकि उसका रीजन ये है कि सबसे पहले आपकी बिजनेस के चैंपियन कौन है वो लोग हैं जो आपको जानते हैं अठारह साल पहले मुझे टाइगर ग्लोबल पैसे देता ही नहीं क्यों मुझे जानता ही नहीं है बट मुझे कोई एंजल इन्वेस्टर होता है जिसको मैं कोई फोरम में मिला होता या उसके कोई फ्रेंड्स होते जो जो मेरा रेफरेंस देते मेरे बारे में बोलते कि यार ये कुछ अच्छा कर रहे हैं इन लोग ये लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं चलो थोड़ा पैसा इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो योर फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज पीपल हु यू नो और एंजल इन्वेस्टर्स हम यार हम मुंबई एंजल्स हैं या ये जो सारे अलग अलग एंजल ग्रुप्स हैं आ, हमने सबको अप्रोच किया बट वो बात वही है ना कि कोई अगर आपको जानता नहीं है कुछ हुआ नहीं उससे तो वो कुछ नहीं वो मुश्किल है वो नहीं होगा तो टाइगर ग्लोबल को आपने अप्रोच किया या उन्होंने अप्रोच किया तो वो स्टोरी थोड़ी मज़ेदार है उसमें क्या हुआ कि हमारे एक एंजल इन्वेस्टर थे वो टाइगर ग्लोबल में एक एक जो मैनेजर उनको बहुत अच्छे से जानते थे उन्होंने उन्हें कहा उन्होंने 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 उनसे बात की फिर हमसे बात की उन्हें भी पसंद आया हम जो कर रहे हैं उन्हें हम पसंद आए एज पीपल वो मेरे हिसाब से तो बहुत मायने रखता है कि इन्वेस्टर ये तो देखेगा कि यार आपकी बिज़नेस का क्या अपॉर्चुनिटी है क्या पोटेंशियल है बट वो ये भी देखता है कि आप कैसे हो बिकॉज इवेंचुअली वो पैसा तो आप पे लगा रहे हैं uh, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आप जब जेंसी की बात करते हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो वो अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें बट उनको ये भी कन्विंस करें ना कि सिर्फ उनका प्रोडक्ट अच्छा क्यों है बट उनमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए hmm. जैसे कि यहाँ इन्वेस्टर्स investors... माई इलेवेन सर्कल खेल रहे हैं पॉसिबल <laughs> कैंडिडेट के साथ कि क्या आपका स्कोर अच्छा रहेगा या नहीं वही लॉजिक yes. तो दे लाइक टू फिर पैसा आ गया मतलब यू रेज मनी यू रेज मनी बट हमने हमें किसी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि द बेस्ट टाइम टू रेज मनी इज वन यू डोंट नीड इट काफी काउंटर इंटूटिव है कि सबसे अच्छा समय पैसे रेस करने का वो है जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है क्यों आप पूछोगे उसका रीजन ये है कि आपको अच्छे टर्म्स मिलेंगे हम्म अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपको इन्वेस्टर बुली करेगा थोड़ा सा नीचोड़ लेंगे उनके टर्म्स पे आपको पैसे मिलेंगे बट अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है और आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है तो आप उसी मेंटालिटी के साथ स्केल भी कर सकते हो हाँ बिल्कुल आप स्केल भी कर सकते हो आप और एग्रेसिव हो सकते हो यहाँ कि प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओ पहले हाँ, ये लोग भूल जाते हैं करेक्ट करेक्ट है। फिर अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपके पास तो लोगों का इंटरेस्ट होगा आपको पैसे रेस करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपका बिजनेस जनरेट कर रहा है पैसे जिससे आप बिजनेस रन कर पाओगे आई थिंक आजकल लोग जान चुके हैं फिर से कि प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल पिछले पिछले दो सालों में तो आ, मुझे लगता है काफ़ी लोगों की आंखें खुल चुकी है आ, मुझे लगता है कि काफ़ी फर्क पड़ा है काफ़ी फ़ायदा हुआ है नाम ले सकते हो वैसे बायजूस जैसी कंपनीज को देखकर कि क्या बुलिंग हुई है आ, किस तरह का पीआर क्रिएट हुआ लोग अभी समझ चुके हैं हाँ कि अगर कंपनी खड़ी करनी है तो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए आइडियली जब आपके पास वी मनी आ जाता है Uh, कहते हैं कि वी भी प्रेशर डालते हैं आप पे वो एक तरह से आपके बॉसेस बन जाते हैं तो यहाँ आपने इकोनॉमिक्स की डिग्री छोड़ कर स्टार्टअप की शुरुआत करी थी और यूजली uh, स्टार्टअप में मैंटेलिटी ये नहीं रहती कि आपका आपके भी एक बॉस हाँ। रहेंगे और बहुत सारे लोग वी के पास नहीं जाते इसी वजह से वी हाँ। का सच क्या है अभी अभी आपको लगेगा कि मैं एक ही एक ही धुन वापस गा रहा हूँ एक ही रिकॉर्ड वापस बजा रहा हूँ बार बार बट मैं आपको बोलूँगा कि एक तो आपकी बात सही है बट ये भी बोलूँगा कि आ, हमारे जो वी रहे हैं फिर से हम बहुत लकी रहे हैं कि हमारे वी बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छे रहें ये सब्जेक्टिव रहता है ये सब्जेक्टिव रहता है ये किस्मत की बात है आपको अच्छे वी मिल सकते हैं और अच्छे वी सीज कभी कभी नहीं भी मिल सकते मेरे एक मेंटर ने मुझे एक बार ये कहा था कि वी फंडिंग डेटिंग की तरह होती है और आपको पहले मीटिंग्स में जांचना पड़ता है कि क्या आपको इनके साथ काम करना है या नहीं जो वाइब होती है द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एन एक्सटेंशन ऑफ दैट वाइब बट रणवीर वो आइडियल सिचुएशन में वैसा होता है अगर आपको पैसों की ज़रूरत है ही है तो आप ये नहीं परखते ना कि ये, ये लोग कैसे कैसे हैं मतलब अगर आपको कोई भी कोई भी हिसाब से कुछ भी करके अगर शादी करनी होती है <laughs> तो आपके स्टैंडर्ड उतने हाई नहीं होते hmm. <laughs> तो आपको अगर पैसा रेस करना ही है तो आप ये नहीं सोचते तो आइडियली आपके जो मेंटोर बोल रहे हैं वो सही है कि दोनों को एक एक दूसरे को परखना पड़ेगा hmm. कि इन्वेस्टर कंपनी के लिए अच्छा है और कंपनी इन्वेस्टर के लिए अच्छी है hmm. ना कि वन वे बट बिकॉज स्टार्टअप्स एंड ऑन्टरप्रनर इतने ज्यादा प्रेशर में होते हैं वो ये नहीं सोचते वो ये नहीं और उनको वो नहीं सोच सकते क्योंकि उनको कुछ भी करके पैसा रेस करना है ताकि वो नेक्स्ट फेज में जाए आ, और वहाँ आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है कि अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस होता पहले से तो वो शायद उस जाल में नहीं फंसते सबसे वर्स्ट फेज के बारे में बताइए सबसे वर्स्ट फेज़ मेरे हिसाब से तो वही है जब कोविड के बाद आ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग खेलने लगे थे और बिकॉज शायद क्लैरिटी नहीं थी काफ़ी स्टेट्स ने गेम को बैन कर दिया तब हमने देखा कि हमारा जो रेवन्यू वो बहुत ज़्यादा कम हो गया बट वो वैसा ही है परसिस्टेंस कि आप आपको अगर पता है कि आप सही चीज़ कर रहे हो आपको अगर पता है कि आ, आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो टाइम लगेगा बट होपफुली अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स चले भी जाएंगे अब तक आपसे जितनी भी बात हुई है मैंने यही जाना कि आप सिर्फ बेसिक्स राइट कर रहे हो आप इंसान अच्छे हो और ऑब्वियसली अभी अठारह साल आप <laughs> आप आप से आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो Uh, और आप टीम मेंटालिटी के थ्रू हर चीज़ को देख दो आई थिंक दिस इज ऑल इट टेक्स ऑनेस्टली पर ये थियोरेटिकल है बिल्कुल प्रैक्टिकली स्पीकिंग लक का रोल रहता है लक का काफ़ी रोल रहता है दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ऐसी बहुत सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है जहाँ लगता है कि यार ये मुझे सही नहीं लग रहा है ये गलत लग रहा है बट आपके पास डेटा नहीं होता Hmm. मतलब आप डिसीजन वाइज कह रहे हो हाँ, क्या डेटा नहीं होता कि है मुझे लग रहा है hmm. और ये ऐसा बहुत बार होता है ना क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसिस है वो काफी सालों के बाद बिल्ड हुए होते हैं एंड बेस्ड ऑन सम्सपीरियंसिस कोई अगर कुछ करता है वो आपको अच्छा नहीं लगता uh, और कभी कभी आप सवाल नहीं पूछते कि उसने वो क्यों किया या फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा अब मैं ये आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टीम भी है ना या जो सब सब जो जो गेम्स ट्वेंटी फोर सेवन जो है जो जो पूरी जो एंटिटी है राइट उसमें हम हमें ये सिचुएशंस बहुत बार आती हैं राइट कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है आ, टीम सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है और आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा इधर राइट कि यार मैं डेटा देखता हूं जो मेरी सोच है वो साइड में रखो जो सोच के कोई मायने नहीं है राइट मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्ट देता हूँ हाँ। एक बिजनेस ओनर एक स्पोर्ट्समैन की तरह होता है हमेशा डिसीजन लेने पड़ते हैं और यू टू प्लान योर नेक्स्ट मूव बिल्कुल आप उस परस्पेक्टिव से कह मैं उस से बोल रहा हूँ यही मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि यहां पे भी बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कंसीव नोशंस हमारे जो मन में होता है ना हम उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और डिसीजन उस चीज़ पे लेते हैं जबकि डिसीजन्स डेटा पे लेने चाहिए ऑब्जेक्टिवली लेने चाहिए और ये भी एज अ कंपनी गेम्स ट्वेंटी फोर सेवन ने मेरे हिसाब से आ, और मैं पूरी ह्यूमिलिटी के साथ बोल रहा हूँ ये कि ये थोड़ा अच्छे से किया है हमेशा डेटा के थ्रू डिसीजंस लिए बहुत ऑब्जेक्टिव है हमारी डिसीजन मेकिंग में एंड um, एंड ऐसा भी हुआ है बिकॉज ऑफ दैट कि डेटा ठीक था बट एक्चुअली सब्जेक्टिवली कुछ गलत था बट hmm. हमने वो चेंज नहीं किया वैसा भी हुआ है बट वो वही है लक मतलब यू कैन नॉट चेंज योर फिलोस प्रिंसिपल्स कभी डेटा बेस्ड डिसीजन गलत निकली हाँ हाँ बट फिर भी आप database decision लेते हैं बिल्कुल बिकॉज़ 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 100 में से 99 बार डेटाबेस डिसीजन सही होते हैं वो जो एक बार सही नहीं होता उसको हम बैड लक बोलते हैं तो लक दोनों तरफ होता है गुड भी और बैड भी हम्म hmm. तो अगर मैं अपने गुड गुड लक मैं सेलिब्रेट करता हूं कि देखो मेरी खुशकिस्मती थी मैं खुशकिस्मत था तो फिर ये भी हमें समझना चाहिए कि जब सब बैंस और सब हो रहा है वो बैड लक ही है ना एक तरह से पर फिर भी आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ क्योंकि जो आपके हाथ में वो तो सिर्फ मेहनत करना ही है ना ये कोई लक लकभ आपके हाथ में थोड़ी ना है पॉडकास्ट के एंड में बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जितनी हाँ। भी जंजी जनता है हमारी हाँ। जो प्रोडक्ट्स बिल्ड, बिल्ड कर रही है जो बिजनेसिस बिल्ड कर रही है जो भी आपने कहा इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हो उनसे एक सोच है जो उनके साथ छोड़ सकता हूँ तो वो ये है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ आई हैं और आएंगी बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई है और होगी बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप जो प्रेजेंट मोमेंट में हो राइट right? आप आप थैंकफुल रहो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि क्योंकि जो भी जो भी चीजें आज हो रही हैं आपके साथ वो होने के लिए बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जो हमारे साथ बुरा होता है ना हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं मेरी वजह से हुआ है। कि या हाँ या मेरी वजह से हुआ है या तो फिर यार मेरी किस्मत ही बुरी है या तो फिर यार उसने मेरे साथ नाइंसाफी की बट जब कुछ अच्छा होता है हम ये नहीं सोचते कि यार ये किसकी वजह से हुआ है hmm. हम ये सिर्फ सुनते हैं कि हाँ चलो मैंने कर लिया इसलिए बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ hmm. मेरी मेहनत है मेरा ही है मेरा ही वो है तो सबको ये ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से और मैं तो ये ट्राई कर दू कि जब बुरी बातें होती हैं हमारे साथ बुरी चीज़ें होती हैं हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ और ये मेरे साथ ही क्यों हुआ और ये नहीं होना चाहिए था बट जब अच्छी चीज़ें होती हैं तब भी ये सोचो आप hmm. तब भी सोचो कि आपके साथ हुआ ये आप खुशकिस्मत हो या आपने कुछ सही किया होगा और उसमें से सीखो उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो खुश रहो उसके साथ थैंक यू बोलो उसके लिए एंड मूव ऑन मजा आपसे बात करके मजा आपसे थैंक यू रणवीर बेसिकली आपने बेसिक्स शेयर किए पर लोग ये नहीं समझते कि बेसिक्स की जरूरत हाँ रहती है लॉन्ग टर्म में एंड पीपल गिव अप बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ पेशेंस मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग ह्यूमन रेस राइट बहुत टाइम बहुत ज्यादा चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हम बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि यार कब होगा क्या होगा कैसे होगा जब रियलिटी में अभी वो चीज सोचने का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि आपके कंट्रोल में ही नहीं है hmm. आपके जो कंट्रोल में है जैसे वो बेसिक वो आप करो फिर जो रिजल्ट आना होगा वो तो वैसे भी आना है बीपी जैसे ऑनटरप्रनर से मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है uh, एक तरह से भी। मेरी भी मेंटरिंग हो जाती है ऑडियंस की भी मेंटरिंग हो जाती है सो थैंक यू योर टाइम आई विश यू ऑल द लक थैंक यू सो मच आई एम सेइंग दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट कि ये बस आपकी शुरुआत है बेस्ड ऑन द इंटरनेट ग्रोइंग इन इंडिया प्लस बेस्ड ऑन गेमिंग ग्रोइंग आई फील कि आपका भी सफर अब बहुत लंबा है

इंटलेक्चुअल योद्धाज होते हैं बहुत सारे लोग ना घर बैठ ही बस ज्ञान देते रहते हैं इंटरनेट पर कॉमेंट सेक्शंस में कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी ऐसे करते हैं पर अगर आप सच में एक इंटेलेक्चुअल हो तो इंटेलेक्चुअलिज्म दिमाग का सबसे बड़ा टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस होता है और बहुत कम भारतीयों ने इतनी ज़्यादा सफलता देखी है बिजनेस वर्ल्ड में ये थी भावन भाई की स्टोरी प्लीज़ इन्हें सोशल मीडिया पर जाकर भी फॉलो कीजिए क्योंकि ये है जमाना ऑन्टरप्रेनोर्स का हमें ऑन्टरप्रेनोर्स को सोशल मीडिया पर और पॉडकास्ट की दुनिया में यूट्यूब की दुनिया में सेलिब्रेट करना चाहिए दोस्तों टी आर एस वी बैक विथ लॉर्ड्स मोर बिजनेस एंड ऑन्टरप्रेनोरशिप थीम्ड एपिसोड्स